आरसीआई एजुकेशन हब बांसुर में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज में अपना चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, जिसमें कार्बन परमाणु की विशेषताएं टॉपिक चल रहा था, जिसमें पहला बिंदु चल रहा था चार एकल संयोजी तत्वों से साझा कर अपनी चारों संयोजकता जो है वो संतुलित करता है। कल अपन ने पढ़ा था मेथेन CH4, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन ये एकल संयोजी तत्व हैं। इनमें से हाइड्रोजन से क्लोरीन से अपनी चारों संयोजकता कार्बन परमाणु संतुष्ट करके यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार से क्लोरीन से पढ़ें, ये हो गया कार्बन परमाणु, ये इसकी चारों संयोजकता है, जिसमें क्लोरीन एकल संयोजी तत्व चार से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी संयोजकता संतुष्ट करता है और CF4 बना देता है, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यौगिक निर्मित करता है जो सहसंयोजक यौगिक है, अर्थात सहसंयोजक बन बनते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब नंबर 2 आता है, दो एकल एवं एक द्वि संयोजी तत्वों से साझा कर अपनी संयोजकता संतुष्ट करता है। एकल संयोजी जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये तो एकल संयोजी तत्व हैं। द्वि संयोजी तत्व जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये द्वि संयोजी तत्व हैं। दो एकल संयोजी और एक द्वि संयोजी तत्व से साझा कर अपनी संयोजकता जो है वो संतुष्ट करता है। ये कार्बन परमाणु है, इसकी एक संयोजकता, दूसरी संयोजकता, तीसरी, चौथी, अर्थात यहाँ एक द्वि संयोजी तत्व जो है ऑक्सीजन उससे साझा करेगा, ये एकल संयोजी तत्व जैसे हाइड्रोजन उससे साझा करेगा, और सहसंयोजक बंध बना करके सहसंयोजक यौगिक HCHO जिसका नाम है फॉर्म एल्डिहाइड का निर्माण करता है। अब यदि इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए तो ये हो गया कार्बन परमाणु, जिसके पास चार इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, जिसकी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, चार। यहाँ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निर्मित करेंगे तो उसमें बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ही प्रदर्शित करते हैं। कार्बन के पास चार हैं, चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ एक द्वि संयोजी तत्व से साझा करता है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ एकल संयोजी तत्व से करता है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार इसके पास बाह्यतम कोश में चार इलेक्ट्रॉन थे, वो चारों हो गए। इनको बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब यहाँ दूसरा तत्व जो है वो है ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-6, अर्थात इसकी बाह्यतम कक्ष जो है L, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। यहाँ अपने बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको दर्शाएंगे, तो इसके पास ऑक्सीजन के पास में बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दो तो यहाँ साझा कर रहे हैं, दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गई, इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूर्ण हो गए। इसी प्रकार एकल संयोजी तत्व जो है हाइड्रोजन, उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एच जो है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास एक होता है, इसके बाह्यतम कक्ष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। ये दूसरा हो गया
एच परमाणु, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपनी बाह्यतम कक्ष का अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। जैसे यहाँ कार्बन है, उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4, 2, 6, 2, 8। इसी प्रकार से इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, 4, 2, 6, 2, 8, और अष्टक पूर्ण होकर के यौगिक निर्मित कर देता है। इस प्रकार से सहसंयोजक यौगिक बना करके सहसंयोजक यौगिक फॉर्म एल्डिहाइड निर्मित होता है। अर्थात ये कहें कि यहाँ 2 एकल संयोजी और 1 द्विसंयोजी तत्व से साझा करता है कार्बन परमाणु और अपनी संयोजकता जो है वो संतुष्ट करता है, तो इस प्रकार से करता है। इसके बाद में आता है नंबर 3, एक एकल संयोजी एवं एक त्रिसंयोजी तत्व से साझा करता है। नंबर 3 आता है एक एकल संयोजी एवं एक त्रिसंयोजी तत्व से साझा कर अपनी चारों संयोजकता है वो संतुष्ट करता है। एक तत्व जो है वो एकल संयोजी होता है, एक तत्व जो है त्रिसंयोजी, अर्थात जिसकी संयोजकता 3 होती है। एक संयोजकता है उसमें तो अपन ने पढ़ाया है हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, त्रिसंयोजी में जैसे नाइट्रोजन है, ये एक त्रिसंयोजी तत्व है। और यहाँ एक हाइड्रोजन ले लेते हैं एकल संयोजी से, तो कार्बन परमाणु जो है वो अपनी चारों संयोजकता संतुष्ट करता है एक त्रिसंयोजी से, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है एक त्रिसंयोजी तत्व से जो है नाइट्रोजन, एक करता है एकल संयोजी तत्व से जो अपने लिया है हाइड्रोजन। इस प्रकार से यह साझा करके अपनी चारों संयोजकता संतुष्ट कर लेता है। जैसे 1, 2, 3, 4, इसकी चारों संयोजकता संतुष्ट होती है, सहसंयोजक बंध बनता है और एक यौगिक जो निर्मित होता है वो सहसंयोजक यौगिक होता है। जैसे HCN, यहाँ ये है साइनाइड, ये है हाइड्रोजन, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। अब यदि हम इसकी भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं तो ठीक उसी प्रकार से बीच वाला कार्बन परमाणु जो है उसको लेते हैं, ये हो गया कार्बन परमाणु। यहाँ इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 है, इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 हैं। यहाँ नाइट्रोजन है दूसरा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 5 होता है। इसकी बाह्यतम कक्ष जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। यहाँ बाह्यतम कक्ष जो है उसके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएंगे, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं 3 को साझा करेंगे, इधर 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करता है, हो गया इसके 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी प्रकार यहाँ त्रिसंयोजी तत्व है नाइट्रोजन, जिसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ करेगा, बच गए 2 वो यहाँ दर्शाएंगे, इससे बाहर यहाँ कहीं पर भी 2 दर्शा सकते हैं। इसके बाद इधर एक से एकल संयोजी तत्व है हाइड्रोजन, उसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 से साझा करेगा। इस प्रकार कार्बन परमाणु जो है उसका अष्टक पूर्ण हो गया, देखो 6 और 2, 8, 6 और 2, 8 नाइट्रोजन का भी पूर्ण हो गया और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निर्मित हो गई हाइड्रोजन साइनाइड। ये चल रही है कार्बन परमाणु की संयोजकता जो 4 है वो किस प्रकार से संतुष्ट होती है, जिसमें अपन ने 3 बिंदु पढ़ लिए, 4 एकल संयोजी, 2 एकल संयोजी एवं 1 द्विसंयोजी, तीसरा था 1 एकल संयोजी एवं 1 त्रिसंयोजी, और नंबर 4 आता है 2 द्विसंयोजी तत्वों से साझा कर अपनी संयोजकता जो है वो संतुष्ट करता है। कैसे करता है देखो, यहाँ द्विसंयोजी तत्व जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये द्विसंयोजी तत्व है, यहाँ कार्बन है वो 2 द्विसंयोजी, यानी 2 संयोजकता को दर्शाने वाले 2 परमाणु, जैसे
जैसे यहाँ ऑक्सीजन ले लिया, तो यहाँ निर्मित हो गया CO2, नाम है कार्बन, ये कार्बन डाई ऑक्साइड। अगर इसकी भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं, तो बीच वाला जो कार्बन परमाणु है उसको निर्मित करेंगे, ये हो गया कार्बन। इसके बाह्य कंपोज में चार इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो से साझा यहाँ करेगा, दो से साझा यहाँ करेगा, और ये परमाणु है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्य कंपोज में छः इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन से साझा कर रहे हैं, बाकी चार जो हैं उनको इधर दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार ये भी ऑक्सीजन है, इसके बाह्य कंपोज में छः इलेक्ट्रॉन है, दो से यहाँ साझा कर रहे हैं, चार को बाहर दर्शा रहे हैं। इस प्रकार इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। देखो ऑक्सीजन जो है उसका अष्टक पूर्ण हो गया, कार्बन जो है उसका अष्टक पूर्ण हो गया, ऑक्सीजन जो है उसका अष्टक पूर्ण हो गया। यहाँ ऑक्सीजन का 2, 4, 6, 8, इस कार्बन का 2, 4, 6, 8, इस ऑक्सीजन का 2, 4, 6, 8, इस प्रकार ये अष्टक पूर्ण हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है कार्बन डाई ऑक्साइड की। इसी प्रकार अगर अपन ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर लें तो हो जाएगा ये कार्बन ये सल्फर, ये कार्बन ये सल्फर। तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं तो ये बीच वाला कार्बन परमाणु हो गया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा कर रहे हैं। कार्बन के बाह्य कंपोज में चार इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ सल्फर, क्योंकि यहाँ सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है 2, 8, 6, यानी बाह्य कंपोज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, तो यहाँ सल्फर जो है उसके 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 से साझा कर रहा है, बस गए 4, उनको बाहर दर्शा दिए। इसी प्रकार से यहाँ दूसरा सल्फर परमाणु है, 2 से साझा कर रहे हैं, बस गए 4, को बाहर दर्शा देंगे। इस प्रकार इनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। अगर अष्टक पूर्ण हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सही है। यदि इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 9 हो जाते हैं, 7 रह जाते हैं, इसका मतलब आपने जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई वो गलत है। इस प्रकार से ये कार्बन परमाणु जो है वो अपनी चारों सजगता संतुष्ट करता है। अब आती है विशेषता नंबर 4, हम पढ़ रहे थे कार्बन परमाणु की विशेषताएं, जिसमें अपन ने अभी तक पढ़ा है कि उसकी सहजता 4 होती है, चारों सहजता जो है वो किस प्रकार से संतुष्ट करता है वो। और अब नंबर 5 आता है कार्बन की ज्यामिति। कार्बन परमाणु जो है उसकी ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है, ये विशेषता नंबर 5। इसके बाद आता है 6 विशेषता, कार्बन परमाणु में प्रत्येक संयोजकता के मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कार्बन परमाणु जो अपनी संयोजकता संतुष्ट करता है उसमें जो सहसंयोजक बंध बनता है वहाँ पर जो बंध कोण होता है उसका मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसके बाद अगली विशेषता आती है कार्बन परमाणु में श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाती है। कार्बन परमाणु में श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात कार्बन परमाणु कार्बन से या
अन्य तत्वों से जुड़कर साथी ऐसा कि एवं चक्रीय योगिक निर्मित करता है। जहां एकलवन द्विवन त्रिवन बनते हैं और योगिक निर्मित होते हैं, जैसे एकलवन कार्बन कार्बन जो है उसके मध्य एकलवन जो एल्केन श्रेणी के तत्व होते हैं, द्विबंध होता है कार्बन कार्बन के मध्य अगर द्विबंध होता है तो एल्केन श्रेणी, यदि त्रिबंध होता है तो एल्काइन श्रेणी। कार्बन परमाणु में श्रृंखलन प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात कार्बन परमाणु जो है वो कार्बन परमाणु से या अन्य तत्वों से जुड़कर के साथी असाथी और चक्रीय यौगिक निर्मित करता है। जैसे ही यौगिक निर्मित होते हैं उनके मध्य कार्बन जो तत्व हैं उनके बीच एकलवन द्विबंध त्रिबंध बनता है। यदि कार्बन कार्बन के मध्य एकलबंध होता है तो एल्केन श्रेणी के यौगिक निर्मित होते हैं, यदि द्विबंध होता है तो एल्केन, यदि त्रिबंध बनता है तो एल्काइन। इस प्रकार से अगली विशेषता आती है कार्बन परमाणु की, लास्ट नंबर 9। कार्बन परमाणु की विशेषताएं पढ़ रहे हैं जिसमें 8 विशेषताएं पढ़ ली, अब लास्ट विशेषता है नंबर 9। कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता लगभग हाइड्रोजन परमाणु के समान होती है, इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर यौगिकों का निर्माण करते हैं जो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता लगभग हाइड्रोजन परमाणु के समान होती है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर के यौगिक निर्मित करता है, वे यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा कर
अपने अष्टक पूर्ण करता है और हाइड्रोजन परमाणु भी अपने निकटतम हीलियम गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन कर लेता है। कार्बन परमाणु की लास्ट विशेषता है कि कार्बन परमाणु की जो विद्युत ऋणता है वो लगभग हाइड्रोजन परमाणु के समान होती है, जिसके कारण कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से जुड़ करके यौगिकों का निर्माण करता है जो हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। यहाँ कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन का साझा कर अपने अष्टक पूर्ण कर लेता है, अर्थात अपने निकटतम निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण कर लेता है। कार्बन जो है इसका अष्टक पूर्ण होते ही अपने निकटतम नियोन गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, अर्थात नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-8। इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है अपने निकटतम निष्क्रिय गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण कर लेता है, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है। इस प्रकार जो यौगिक बनते हैं वो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोकार्बन कल पढ़ेंगे।